सूफी साहब, कादरी साहब, हजरात, अभी सूफी साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो सबसे पहले तो आप सबसे यही कहूंगा कि सूफी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि खून लेना नहीं बल्कि खून देना, और ये भी हमको नहीं भूलना है कि इस्लाम जोर शमशीर से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से फैला। और मुझे एक ही वाकया याद आता है कि मुख्तसर करता हुआ उस वाकये को आपके सामने रखूं। मक्का फतेह होने के बाद लोग कई इस्लाम को कबूल कर रहे थे, या तो फिर बाज लोग मक्का से रुख्सत हो रहे थे। तो उसमें एक बूढ़िया भी थी जो अपने बुतों से बहुत मोहब्बत करती थी, बे इंतहा मोहब्बत थी उसको अपने बुतों से। तो वो औरत अपने बुतों को इकट्ठा करते हुए अपने सामान को बांध लिया, ये सोचकर कि सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों से, उनके बयान से लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। कि उस वक्त लोग कहते थे बास काफिर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर भी कहते थे। तो इन सारे हालात को देखते हुए बुढ़िया मक्का से बाहर कहीं ख़याम परेस के लिए निकलना चाहती थी। अपना सारा सामान बांध लिया, अपने बुतों को इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़ईफ थी, घर के बाहर निकली तो अपने सामान की पोटली को उठा नहीं सक रही थी। तो आवाज़ देने लगी कि कोई
इस सामान की पोटली को उठा के मेरे खाने पे रख दे। तो ऐसा दौर था जहालत का कि ज़ईफ़ों की भी कोई कदर नहीं करते थे, एहतराम नहीं करते थे। पुकारती रही, फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, आपने देखा इस बुढ़िया को और उसकी फरियाद को सुनी, उसकी पोटली उठाई, बहुत वजन थी तो उसके खाने पर रखने के बजाय खुद अपने खाने पर खुद उस बोझ को लेकर उसके साथ चलते रहे। रास्ता तमाम वो बुढ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती रही, गुस्ताखियाँ करती रही, बुरा भला कहती रही, इतनी बातें कहीं, इतना बुरा इतना भला कहा, कहती रही, रसूलुल्लाह सुनते रहे। और उस बुढ़िया की मंजिल आई, तो मंजिल आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का सामान उठाकर उसको दे दिया और फिर वहाँ से रवाना हो गए। चंद कदम ही चले थे कि उस बुढ़िया को ख्याल आया कि मैंने इस नौजवान को कुछ हदिया भी नहीं दिया और मेरे पास एक दीनार या कुछ पैसा भी नहीं है उसको देने के लिए। तो आवाज़ देती है और कहती है कि नौजवान, मैं इतनी देर से पुकार रही थी, किसी ने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन आपने आवाज़ को सुना, मेरा बोझ उठाया, रास्ता तमाम मुझसे बात करते आए, मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नसीहत ज़रूर है जो करूँगी, वो ये है कि एक आए हैं जो अपने आप को अल्लाह के रसूल कहते हैं और वो अपने खिताब से, अपनी ज़बान से ऐसा कुछ कहते हैं कि लोग उनके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मेरी तुमसे नसीहत है कि अपने आबा व अजदाद का जो बुत परस्ती है, तुम इसी पर कायम रहना, उस जादूगर की बातों में नहीं आना, उसकी ज़बान से तुम इतना मुतासिर नहीं होना कि बुत परस्ती को छोड़ देना। मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही नसीहत है और यही नसीहत कर रही हूँ तुमको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। और फिर वो बुढ़िया को ख्याल आता है तो बुढ़िया पूछती है कि मैंने तुमको नसीहत भी की, तुम्हारे साथ इतना दूर फासला भी तय किया, तुमने मेरा बोझ उठाया, एक चीज़ मैं पूछना भूल गई कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं ही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ जिसके बारे में इतनी देर से आप कह रहे हैं, तो वो बुढ़िया जो अपने बुतों से इतना मोहब्बत करती थी, बुतों को लेके चले गई, वो फिर मजबूर होकर कहती है कि हाँ, मुझे अब यकीन हो चुका है कि आप ही अल्लाह के रसूल हैं, और वो कलमा पढ़ती है। तो ये इस्लाम है, ये हमारे रसूलुल्लाह की तालीम है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ज़ोर शमशीर से नहीं बल्कि अखलाक से, रसूलुल्लाह की अखलाक की वजह से, मोहब्बत की वजह से, और जो पैगाम रसूलुल्लाह ने दुनिया को दिया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत करेगा वही दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी वो कामयाब होगा। और अगर हमको अल्लाह की किताब कुरान को भी समझना है तो सबसे पहले हमको साहिब कुरान को समझना होगा। अगर साहिब कुरान को न समझेंगे तो फिर कुरान को भी नहीं समझेंगे। खैर, बहरहाल बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी, फिर आपके सामने रखूँगा। वह सारे वो नौजवान जो आगे बढ़कर अपना खून का अतिया दे रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा इकदाम है रसूलुल्लाह की
मोहब्बत में ये इकदाम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो अमल जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए होता है वही अल्लाह को सबसे अच्छा अमल रहता है, अल्लाह जिसको कबूल करता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु तआला आपके इस अमल को कबूल करे और आपके हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को और डाले और रसूलुल्लाह के कहे हुए, रसूलुल्लाह के अहादीस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाबी व कामरान करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस हमारे अमल को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।